मध्य प्रदेश अब कपड़ा निर्माण के लिए भी पूरी दुनिया में जाना जाएगा। अब ऐसा कैसे संभव है आपको बताते हैं। दरअसल बदनावर तहसील में पीएम मेगा टेक्सटाइल पार्क का काम जारी है। इस प्रोजेक्ट के बाद 10,000 युवाओं को रोजगार मिलने की आस है। वही प्रशासन अपने स्तर पर तैयारी में जुटा हुआ है। टेक्सटाइल पार्क में देश के बड़े उद्योगपतियों के निवेश के साथ कंपनियों की फैक्ट्री खुलने की संभावना है, जिसके लिए जमीन का बड़ा हिस्सा अधिग्रहण किया जाएगा। अधिकारियों के मुताबिक तकरीबन 350 कंपनियां लग सकती है। देश में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क के विकास के लिए भी पहल हुई है। मुरैना में मेगा लेदर पार्क विकसित करने का कार्य हो रहा है। धार में पीएम मित्र इंटीग्रेटेड मेगा टेक्सटाइल पार्क से कपड़ा उद्योग को मजबूती मिलेगी। यहां 1,563 एकड़ भूमि पर 1,000 करोड़ की लागत से पार्क विकसित होगा, जो 3,00,000 लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार देगा। राज्य सरकार ने एक निर्यात प्रोत्साहन सेल भी बनाया है। मध्य प्रदेश की चंदेरी और महेश्वरी साड़ियां विदेश में जाती है। इसी तरह वारासिमनी, सोसर, पलाना, सारंगपुर के हाथकरघा वस्त्र विशिष्ट पहचान रखते हैं। बता दें कि जिले में पीथमपुर इंडस्ट्रियल एरिया में बड़ा नाम है, जो पूरे एशिया में प्रसिद्ध है, लेकिन इसका लाभ इंदौर सहित बाहरी राज्यों के श्रमिकों को मिल रहा है। वही पीएम मेगा टेक्सटाइल पार्क खुलने के बाद कॉटन उद्योग लगने से रेडीमेड वस्त्र तैयार होंगे, जिसका लाभ पूरे मध्य प्रदेश को मिलेगा। प्रधानमंत्री ने देश के कपड़ा उद्योग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित करने के लिए पीएम मित्र मेगा पार्क योजना लागू की थी। इसके लिए मार्च 2023 में भारत सरकार से औपचारिक मंजूरी मिली थी। देश के 7 राज्यों तमिलनाडु, तेलंगाना, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, गुजरात और मध्य प्रदेश में पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क स्वीकृत हुए थे।